मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहाँ पर ब्राह्मण देवता को दान करना हो, धार्मिक कार्यों में यदि दान करने की बारी आए तो अच्छी वस्तुओं का दान करें, जैसे महाराज दशरथ ने किया, दान किया है, सब कुछ लुटाए जा रहे हैं। कई लोग ऐसा दान करते हैं, ध्यान रखना, दान की बात जब आई है आपको बता दूं, कई लोग दुनिया में ऐसे भी हैं कि मंदिर में जब पंखा दान करते हैं ना, तो उसमें अपने मरे हुए दादाजी का नाम जरूर लिखवाते हैं, फलाने सिंह ने दान किया, उनकी पुण्य स्मृति में यह पंखा दान। पंखा तो दान कर दिया, दादाजी का नाम भी अंकित करवा दिया उसपे। अब बेचारे दादाजी जब तक जीवित रहे तब तक तो चक्कर काटते ही रहे, मरने के बाद भी उनके पोते चक्कर कटवा रहे हैं, बेचारे घूम रहे हैं परेशान। कई लोग ऐसा भी दान करते हैं। दान कीजिए, और जिस समय विचार हो दान करने का उसी समय। अच्छा देखो, बारिश का पानी यदि एक गड्ढे में जमा हो जाए, बहुत दिनों तक यदि जमा रहे, तो उस पानी से भी दुर्गंध आने लगती है। ये जो आपका नोट है ना, यदि केवल जमा ही करते रह गए, नहीं निकालोगे, तो एक न एक दिन तो क्या पता मोदी जी फिर अभियान चलाएं और सब निकल जाए, बहाना पड़े गंगा जी, उससे पहले ही निकाल दो। निकालते रहिए, कुएं में से जितना पानी आप निकालेंगे वो बढ़ेगा, और नहीं निकालोगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा। तो इसलिए अच्छी वस्तुओं का दान करें। और अब हमारे परमात्मा के नामकरण संस्कार के लिए गुरुदेव को बुलाया गया, नामकरण संस्कार के लिए हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, गुरु वशिष्ठ आंगन में विराजमान हैं, तीनों महारानी अपने अपने बालक को लेकर गोद में विराजमान हैं। और जैसे ही महाराज दशरथ ने पूछा, बाबा तुलसी लिखते हैं, नामकरण करे अवसर जाने, को लेकर विराजमान थी। तो महाराज दशरथ ने पहले पूछा कि गुरुदेव हमारे पहले लाला का नाम क्या होगा, बड़ा ही सुंदर, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणव महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। श्याम वर्ण भगवान का घुंघराले बाल है, नैन कजरारे हैं, बड़े सुंदर लग रहे थे। जब देखा तो देखते ही आज गुरु वशिष्ठ एक तक निहार रहे हैं, नजर नहीं हट रही है। और जब नजर नहीं हटी है तो आज महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं, इतने ध्यान से हमारे लाल को क्या देख रहे हो। तो गुरुदेव कहते हैं, क्या करें राजन, मन में कहा कि हमारा बाप तुम्हारे घर में बेटा बन के आ गया, हम देखे नहीं तो और क्या करें, हमारा पिता तुम्हारे घर पुत्र बनकर आया है। आज नामकरण की जब बेला आई तो महर्षि वेदव्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं कि बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुण कर्माणि रूपानि तान्यहं वेदनो जन। राजन, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इनके कई नाम बताए गए, परंतु यदि हमारी ओर से पूछ रहे हो तो हमारी ओर से इनका नाम
राम होगा। बोलिए रामलला सरकार की जय हो। सो सुख धाम राम असराम। तुरंत बगल में कैकेयी अम्बा अपने लाल को लेकर बैठे थे। पूछा गुरुदेव इनका नामकरण कर दीजिए, का नाम क्या होगा? तो बड़े प्रेम से गुरुदेव ने कहा कि विश्वभरण को करेंगे ऐसे तुम्हारे लाला का नाम भरत होगा। बोलिए भरत लाल की जय हो। और भरत जी के बाद किसका नामकरण होना चाहिए था? लक्ष्मण जी का। लेकिन लक्ष्मण जी का नहीं किया है, पहले ही शत्रुघ्न जी का कर दिया। क्यों? लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं, आधार हैं, संपूर्ण जगत के आधार हैं। आधार जब भी होता है तो वो नीचे होता है, बेस जो है हमेशा नीचे होता है, वो ऊपर नहीं होता। आप धरती पर बैठे, धरती ऊपर है कि नीचे है? धरती आपके नीचे है। तो इसलिए आज जो शेषनाग के अवतार है उनका नामकरण पीछे किया, पहले कहा जिनका नाम सुनते ही शत्रु भय से कांप उठेंगे ऐसे लाला का नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न महाराज की जय हो। और सबसे अंत में कहा जो सभी लक्षणों से परिपूर्ण संपूर्ण जगत के आधार राम के परम प्रिय होंगे ऐसे तुम्हारे लाला का नाम लक्ष्मण होगा। बोलिए लखन लाल की जय। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत अच्छे लोग बैठे हैं। मानस के माध्यम से जरा शिक्षा लीजिए कि नामकरण जब भी करवाना हो, महाराज दशरथ कौन थे? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। चाहते तो अपने बच्चे का नामकरण स्वयं कर सकते थे, लेकिन स्वयं नहीं किया, गुरुदेव से करवाया। आजकल के लोग अपने बच्चों का नामकरण स्वयं कर लेते हैं और ऐसा नाम रख लेते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। कई लोग अपने बेटों का नाम रखते हैं चिंटू पिंटू। कई चिंटू पिंटू इस सभा में बैठे होंगे, मुझे क्षमा करना। क्या अर्थ है चिंटू पिंटू का बताओ? माताएं अपनी बेटियों का नाम रखती हैं गुड़िया। गुड़िया भी बैठी होंगी इस सभा में। गुड़िया बहुत अच्छा नाम है, लेकिन वो कब तक अच्छा लगता है? जब तक गुड़िया गुड़िया की तरह होती है, और वही गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए तब मुख में दांत नहीं हो, कमर झुक जाए, चेहरे पर झुर्रियां,
आंखें धसी हो और किसी रास्ते से गुजरे कोई बड़े प्रेम से कहे गुड़िया, बताओ उस बुढ़िया को कैसा लगेगा उस समय? इतना क्रोध आता है, मुख में दांत है नहीं, सही से बोल भी नहीं पा रही, नाम रख दिया स्वीटी। अब स्वीट वॉइस है नहीं और नाम रख दिया है स्वीटी। नामकरण ऐसा कीजिए जिसका कोई अर्थ नहीं करता। नामकरण ऐसा हो जब भी आप नाम लें तो परमात्मा की याद आ जाए। क्यों? इस कलयुग में भवसागर से पार जाने का एकमात्र उपाय है हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम स्मरण। इसलिए कहा गया है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही भारा, यत् फलम नास्ते तपसा न योगे न समाधि, तत् फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में केवल नाम ही ऐसा है, भगवान नाम स्मरण करते रहिए और भवसागर से पार हो जाए। विद्वानों ने पहले ही घोषणा कर दी, ध्यान दीजिएगा, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में आधार कार्ड के बिना काम नहीं होने वाला, कलयुग केवल नाम आधार। बताओ आधार कार्ड के बिना कोई काम हो रहा है आजकल? नहीं होने वाला, वो पहले ही विद्वानों को पता था इसलिए कह दिया था कलयुग केवल नाम आधार। ये तो विनोद की बातें हैं, लेकिन कलयुग में एक नाम ही आधार है जो हमें भवसागर पार कर सकता है। भगवान का नाम लीजिए, किसी भी स्थिति में रहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहे। बच्चों का नामकरण ऐसा हो, नाम ऐसा हो कि यदि हम भगवान नाम स्मरण ना भी करें, अपने बच्चों को ही यदि हम दो चार बार पुकार ले तो भगवान नाम स्मरण हो जाए और उद्धार हो जाए। कई लोग तो ऐसा नाम रख लेते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गए और जाकर के कहा, महात्मा जी हमारे तीन बेटे पहले से थे, एक का अभी जल्दी में जन्म हुआ है, जरा उसका नामकरण कर देते तो बड़ा अच्छा होता। महात्मा जी ने पूछा, पहले बताओ तीन का नामकरण कर लिया? कहा तीनों का कर लिया। महात्मा जी ने पूछा क्या रखा है बताओ? तो उस व्यक्ति ने कहा पहले का नाम रखा निरंजन, दूसरे का नाम रखा मनोरंजन, तीसरे का नाम रखा चित्रंजन, अब चौथे का क्या रखूं आप बता दीजिए। तो महात्मा जी कहते, अरे इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है, जब तुमने निरंजन रख ही दिया, मनोरंजन रख दिया, चित्रंजन रख दिया, तो चौथे बेटे का नाम दंतमंजन रख दो, बड़ा बढ़िया रहे। कई जगह लोग ऐसा नामकरण करते हैं। खैर, मानस के माध्यम से सीखिए हमारे परमात्मा का नामकरण, गुरुदेव के माध्यम से। और देखिए हमारे ठाकुर जी जब आए हैं तो क्योंकि सूर्य महायज्ञ है, भगवान भास्कर एक महीने तक अयोध्या में टिके रहे। अयोध्या में एक महीने तक रात्रि नहीं हुई, दिन रात वहीं पर टिके रहे। चंद्रमा को इतनी परेशानी हो गई, बार बार कहते हैं सूर्य भगवान से, अरे आप हटे तब तो हम भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करें, लेकिन भगवान सूर्य हटने का नाम नहीं ले रहे। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। इतने दिनों के बाद तो परमात्मा का दर्शन हुआ है और जब नहीं हट रहे हैं, गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा मानस में, मास दिवस करा दिवस भा मर मन जानाई को, मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानाई को, रथ
जरा भगवान भास्कर को हम सभी लोग याद करें। आज के दिनवा हो दिनारा पात्मजं श्वेत पद्य धरम देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं लोहितम रथमारूढं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं तम सूर्यं जगतं नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहं। बाट में भेटिया निहारते रह गए। अयोध्या में एक महीने तक रात्रि नहीं हुई, चंद्रमा की परेशानी बढ़ी और तुरंत गए भगवान श्री हरि के पास जाकर के विनती की, प्रभु ये सूर्य तो हट ही नहीं रहे,
तो हम आपके बाल रूप का दर्शन कैसे करें, कुछ तो कृपा कीजिए। तो आज भगवान श्री हरि ने चंद्रमा को दो वरदान दिए। पहले वरदान में दिया कि जाओ चंद्रमा, अभी तो जब मेरा रामावतार हुआ है तो अभी तो मैं 12 बजे दिन में आया, 12 बजे दिन में आया, इसलिए मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस दिन में आया हूँ, तब तो केवल सूर्य ही हमारा दर्शन कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा अगला अवतार जब होगा, द्वापर युग में जब कृष्णा अवतार होगा, तो उस समय मैं 12 बजे दिन में नहीं बल्कि 12 बजे रात्रि में आऊंगा, उस समय सूर्य हमारे दर्शन को तरसेंगे, उस समय ये सौभाग्य केवल तुम्हें ही प्राप्त होगा। कल रासलीला के माध्यम से आप सबने देखा कृष्णा अवतार, तो भगवान ने ये वरदान दिया। दूसरा वरदान दिया है कि जाओ चंद्रमा, आज के बाद हमारे नाम के पीछे सदैव तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, इसलिए तो हम प्रतिदिन जयकारी भी लगाते हैं।